एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शन आपको दिया है और आपको चेक करना है कंटिन्यूस है या डिस्कंटिन्यूस है। अगर ये डिस्कंटिन्यूस है तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है fx इक्वल टू mod x upon x for x not equal to 0 and it is given to you be 0 for x equal to 0। क्लियरली अंडरस्टूड है कि ये डिस्कंटिन्यूस है। x divided by x या तो 1 देगा या -1 देगा और ये 0 देगा, सो डिस्कंटिन्यूस। ओके, बट डिस्कंटिन्यूटी यहां से नहीं दिखेगी। ये डिस्कंटिन्यूस तो है क्योंकि हमें फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, हमारी कंडीशंस क्या है, f of a एग्जिस्ट, a पॉइंट हमारे यहां पे 0 है, a पॉइंट हमारे क्या है 0, इट्स नॉट इक्वल टू x इक्वल टू 0, f of a एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में तो आ रहा है कि इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेट्स सी हाउ। देयरफॉर यहाँ से हम क्लियर लिख सकते हैं f ऑफ 0 इज 0, ये देखिए fx इज 0 फॉर x इक्वल टू 0। ओके, नाउ फॉर x नॉट इक्वल टू 0 वी हैव fx इक्वल टू mod x upon x। ओके, दिस गिव्स यू fx इक्वल टू माइनस x अपॉन x, x अपॉन x फॉर x लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस mod of x क्या है, इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो x अगर लेस देन 0 है तो mod x के लिए माइनस x हो जाती है, और x यदि ग्रेटर देन 0 है मॉड एक्स वैल्यू एक्स हो जाती है। बस वही कॉन्सेप्ट है, ये मॉड एक्स में अगर हम एक्स लेस देन 0 लेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और अगर हम एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से क्या मतलब, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू आइदर माइनस वन और वन, एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0। अब इस फंक्शन को यदि आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स के लिए माइनस वन है फॉर एक्स लेस देन 0, एफ एक्स के लिए वन है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स के लिए 0 है फॉर एक्स इक्वल टू 0। ये एक्चुअल आपका सिग्नम फंक्शन है, मैं स्टडीड दिस फंक्शन है 11th में। ओके, दिस इज द सिग्नम फंक्शन। ओके, नाउ सी, अब हम जब लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एक्स, ऐसे केस में लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 1 माइनस का मतलब है x लेस देन 1, तब फंक्शन माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 है। जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्सट्रीमली सॉरी 0, सॉरी 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स फाइंड करेंगे तो आएगा लिमिट एक्सटेंड 0, और एक्सटेंड्स टू 0 माइनस के लिए एक्स लेस देन 0 हो जाता है तो ये माइनस 1 आएगा, मतलब माइनस 1। जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे 0 1 पे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ये आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और ये आएगा 1, दिस इज 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, is discontinuous at point x equal to 0. This series is the answer hai, but discontinuity kyun aa rahi hai, kyunki actual iska limit exists nahi kar raha hai।